हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम बहुत सारे दिनों के बाद ब्लॉग बनाने का आज टाइम तो नहीं मिला, पर जैसे तैसे करके मैनेज कर रही हूँ क्योंकि मेरी अभी जॉब शुरू हो गई है, सो टाइम नहीं रहता। मुझे 9 o'clock तक पहुंचना होता है, उससे पहले मुझे बस लेनी होती है, उससे पहले मुझे दोपहर के लिए खाना बनाना होता है क्योंकि मैं साथ में टिफिन लेके जाती हूँ हरी को खाने के लिए। दोपहर के लिए कुछ बना के रखना पड़ता है क्योंकि वो दोपहर को खाना खाने के लिए आते हैं ऊपर। सो उससे पहले वो करती हूँ, उससे पहले पूजा पाठ होते हैं। सो बहुत ही जल्दी उठना पड़ता है, बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल हो गया है आजकल। और फिर मेरी फुल टाइम है जॉब, सो में रात को वहाँ से रिटर्न आने का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। वो कहते हैं 9 से 5 का टाइमिंग है, पर वो 5 बजे हमें रिलीज़ नहीं करते। जब भी काम ख़त्म होता है तब होता है, तो कल तो उन्होंने हमें 7 o'clock को छोड़ा था, तो 9 घंटे की शिफ्ट हो गई थी हमारी। तो ऐसा अभी चल रहा है। सो फिर 7 o'clock को वहाँ से उन्होंने रिलीज़ किया था और मुझे घर पहुँचने में 1.5 hours लग जाते हैं। तो फिर तो घर जाके इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी, ना पूछो आप बात। और फिर ऐसे ही हमने भेड़ बना के खा ली थी। सो फुल डे ऐसे ही जाता है, बट आई थॉट लेट्स शूट दिस न्यू जर्नी एज वेल। सो भी मैं व्लॉग्स आज के दिन आपको दिखाऊंगी क्या रहता है मेरा वर्क, कैसे रहता है, हम क्या काम करते हैं, सारा कुछ आई होप मैनेज हो जाए ब्लॉगिंग। दिस इज साउथ है और ये H12 में मैं आई थी। अभी 1:40 में आई विल गो टू मैकडोनाल्ड्स। आगे एक स्टॉप है वहाँ पर, वहाँ तक मैं बस में आती हूँ। बस मुझे यहाँ ड्रॉप करती है और फिर यहाँ से आगे मैकडोनाल्ड्स है, तो आगे मैकडोनाल्ड्स है, वहाँ से मैं जाती हूँ कैब में, क्योंकि हमारी जो फैक्ट्री है जहाँ पर मैं वर्क करती हूँ वो सिटी एरिया से दूर है। तो वहाँ पर हम सब कैब में ही जाते, सारे लोग कैब में ही जाते क्योंकि वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। जो बस है, ट्रेन है, वो सब भी यहाँ तक ही आती है। सो यहाँ से फिर हमें हमारी ओर से ही जाना होता है। सो हम सब ने, वर्कर्स ने मिल के ही सब लोग ने कैब अरेंज कर ली है। सो यहाँ से फिर हम कैब में जाते हैं, तो और फिर हम हाफ आवर में 30 मिनट्स लगती है कैब में जाने के लिए, 30 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाएंगे। और आज तो बहुत ही प्यारी प्यारी धूप आई हुई है, कल पूरा बारिश वाला माहौल था। बारिश वाले माहौल में ट्रैवलिंग करना ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बारिश में ट्रैवलिंग। लेकिन यहाँ पर रेन का कुछ अता पता नहीं होता, पर आज तो सूरज देव ने भी दर्शन दिए, सो फील्स सो ग्रेट, नाइस एंड हैप्पी। होपफुली आज का दिन अच्छा जाए। हियर इज़ मैकडोनाल्ड्स, मैं यहाँ पे खड़ी रहूँगी, अभी थोड़ी देर में ही कैब आएगी, देन वी विल गो। बाहर अभी बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, इसलिए मैं मैकडोनाल्ड्स के अंदर ही वेट कर लेती हूँ।
आ गया। अभी है हमारा 5 मिनट का ब्रेक, बीच में हाफ आवर का था लंच का, अभी 5 मिनट का ब्रेक है काम में। फाइनली पीपल हमारा ब्रेक हो गया है, सॉरी छुट्टी हो गई है। आज भी हमारी 9 घंटे की शिफ्ट लगी है, सो अभी 7 बज रहे हैं और वी आर डन फॉर टुडे। सो चलो चलते हैं घर। वैसे तो बाहर पूरा अंधेरा हो गया है, लेट मी शो यू। ये है हमारा लॉन्च एरिया, फाइनली वी आर लिविंग। गाड़ी से मैं उतर गई हूँ और अब मैं बस लेकर घर जा रही हूँ। 9 तो बज ही गए हैं, देखती हूँ कब तक पहुँचो। अभी थोड़ी देर में पहुँच जाओगी, अभी टाइम नहीं लगेगा घर पहुँचने में। ब
बस ने मुझे छोड़ दिया है और अभी ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। अभी आई थिंक 9:30 बजने को आ गए। अभी कुछ खाना पकाने का मन नहीं होगा। अच्छी बात है, मैंने सुबह खिचड़ी कर दी थी रात के लिए, सो अभी वो ही खा लेंगे हम और देखते हैं कुछ मूड होगा तो कुछ बनाऊंगी, अदरवाइज सो जाने का है क्योंकि इतना हेक्टिक डे हो जाता है पूरा दिन। चलो ठीक है, यही है बस मेरे दिन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग और इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।